आरबीआई से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां आपको बता दें 2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और इस बीच बीजेपी नेता की हाई कोर्ट से अपील है। बिल्कुल, और इसके साथ ही अपील में कहा है कि डॉक्यूमेंट बगैर नोट बदलने पर रोक लगाई जाए, 30 सितंबर तक बदले जाएंगे ये 2000 के नोट। जो 2000 के नोट है उनको बदलने की प्रक्रिया आज यानी कि 30 मई से शुरू हो रही है और 30 सितंबर तक चलेगी और आसानी से करीब 4 महीने का वक्त है, ये बदल दिए जाएंगे। और सबसे यही अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर आप आराम से जाएं, आपके पास वक्त काफी है। 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया आज से देश के सभी बैंकों में शुरू हो जाएगी। इस बीच रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के बिना डॉक्यूमेंट्स के नोट बदलने के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दायर की है। बिल्कुल, और उन्होंने बिना किसी पहचान प्रमाण पत्र के 2000 के नोट बदलने की अनुमति न देने की भी मांग की है। और इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि लोग नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ न लगाएं, हमने 4 महीने का समय दिया, आप आराम से नोट बदलिए लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लीजिए। दास ने कहा है कि 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे यानी कि वैध है, तो RBI ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया और RBI ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। तो ये कल गाइडलाइंस जो है वे RBI के चीफ द्वारा दी गई थी।